फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और ये वीडियो हर एक मोबाइल यूजर हर एक कंप्यूटर यूजर वालों के लिए कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं डार्क वेब पर मौजूद तो नहीं और वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपका डाटा जो है वो लीक हुआ है तो आए आज हम यही सीखेंगे और यही जानेंगे कि किस तरह से आप अपना वो डाटा चेक कर सकते हैं कि आपकी पर्सनल डिटेल कहीं लीक तो होंगी आपका फोन नंबर आपका क्रेडिट कार्ड नंबर आपका यूजर नेम आपका ईमेल आज इस तमाम वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वो चेक कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अच्छा जी तो इस टाइम हम आ चुके हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पे जी मेल का अकाउंट तो हर बंदे के पास होता है चाहे वो मोबाइल यूजर हो चाहे वो कंप्यूटर यूजर हो उसके पास जी मेल का अकाउंट तो मस्ट है कि उसके पास होगा तो आपने अपना जी को लॉग इन कर लेना लॉग इन करने के बाद जहां पे साइन आता है वहां पे आप क्लिक करेंगे मैनेज योर गूगल अकाउंट में चले जाएंगे मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाने के बाद आप इसकी सिक्योरिटी में जाएंगे सिक्योरिटी में जाने के बाद आप थोड़ा सा स्कोर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे आएगा अ स्कैन विद गूगल वन सी इफ योर ईमेल एड्रेस इज ऑन द डार्क वेब तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद गाना स्कैन कर लें आप यहां से तो यहां अच्छा जी तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन वॉज फाउंड ऑन द डार्क वेब अच्छा इंफॉर्मेशन ऑन डार्क वेब इस पर आपका यूजर नेम भी हो सकता है आपका ईमेल एड्रेस भी हो सकता है और आपका मोबाइल नंबर आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है क्योंकि वेबसाइट से अक्सर डाटा जो है वो लीक हो जाता है तो हम इसको व्यू और रिजल्ट करेंगे व्यू और रिजल्ट्स में जाने के बाद जी मेरे पास इस टाइम तीन रिजल्ट आ रहे हैं एक गिको बीपीएन है एक एपन है और एक कैनवा कैनवा पे 2019 में अब ये डेट भी बता रहा है कि किस डेट पे आपका डाटा इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हुई है तो इसमें ई मेल यूजर नेम नेम जो है वो लीक हुआ है इसमें सिर्फ ई यूज हुई है और इसमें ई और यूजर नेम और सम टाइम इसमें आपका नंबर भी हो सकता है और आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है तो आप अब इससे बच किस तरह सकते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा करके तो यहां पे ने आएंगे तो अपने डाटा को इन्फॉर्मेशन को कर सकते हैं तो ये खुद सजेस्ट कर रहा है आप टू स्टेप वेरिफिकेशन रखें चाहे आपका ई हो चाहे आपका किसी किस्म का भी लॉग हो आप उस पर टू स्टेप वेरिफिकेशन रखें ताकि आपका इंफॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो अगर लीक होती भी है तो वो स्क्योर रहे आपके पास और अगर ये वीडियो ज्यादा भी इंफॉर्मेटिव आपको लगी तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो